हमारा ध्यान हो, ओ लाइट आई, ओ लाइट चली गई, ओ लाइट आई, ओ लाइट चली गई। अब तो माएँ अपने बच्चों को लोरी में ये लोरियाँ सुना रही होती हैं, बेटा जल्दी सो जाओ वरना लाइट चली जाएगी, ताकि जब लाइट जाए तुम जाग रहे हो, वरना सोते हो तो मुझे अलग तकलीफ़ होगी और तुम्हें अलग तकलीफ़ होगी। ठीक है जी। और बाकी रही ये लोड शेडिंग, शुक्र करिए लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है ना। ये जो कभी कभी हम सुना करते ना 88 में 87 में कि पाकिस्तान जो है कि तमाम ममालिक से पीछे होकर रह रहा है, हम पत्थर के दौर में जा रहे हैं, तो माशाल्लाह मियाँ साहब हमें बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं कि पत्थर के दौर में हमने कैसे जाना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लाइट नहीं है, लाइट भी ना हो, पानी भी ना हो, आटा भी कहीं कहीं से मिले, चीनी भी कहीं कहीं से मिले, फिर हमें पता लगेगा भाई असल क्या है। हमारा सच ये है, ना हमारे पास लाइट हो, ना हमारे पास पानी हो, ना हमारे पास पूरी खुराक हो, ना हमारे पास पूरी तलीम हो, ठीक है जी, ना हमारे पास शहूर हो, ना कुछ भी ना हो, हमारा असल ये है। अगर हम मीडिया को देखें तो हम तो रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अगर हकाइक में आएँ तो हम पता नहीं पत्थर के दौर में बिल्कुल नज़दीक हैं जाने के। ये आप आएँ ना, ठीक है जी, कोई लाइट नहीं है। अभी लाइट आएगी 5-10 मिनट, वो हमें देखेगी, हाँ जी सब ठीक है, ज़िंदा है, कोई मरा तो नहीं है, फिर वापस निकल जाएगी। लाइट एक खुशी की सूरत में हमें दिन में कुछ 8-10 दफ़ा नसीब होती है, जिससे हमें सांस आती है और हम बरकरार रहते हैं, नहीं भाई हम भी उन लोगों उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ लाइट है। तरक्की करना तो बड़ी दूर की बात है। बाकी मियाँ साहब के लिए मेरा ये प्रोग्राम एक ख़ास पैगाम है कि मियाँ साहब जिंदे रहो, बस आप जिंदाबाद हैं, बाकी सब मुर्दाबाद हैं। और जदाई साहब के लिए पैगाम है कि भुट्टो जिंदाबाद है, बाकी सब मुर्दाबाद है। ये मेरा ख़ास पैगाम है आपको।